हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी गमर। इच्छा तो मैं भी किताब से लिखा रहता हूँ। विचार में भी होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम आद, मेरा नाम है नीला। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, मंडे के स्ट्रीट फूड है। सुबह का नाश्ता सिर्फ 30 रुपए में। तो देखने वाले हैं भाई, 30 रुपए में इतना सस्ता हो भाई, क्या क्या है इस भाई के पास 30 रुपए में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैंने तो सुना आप किलो नहीं क्विंटल के हिसाब से छोले बेचते हो। भाई लंच के लिए पूरा माहौल बना हुआ है सर। राम राम। राम राम जी, क्या हाल है सर? बस ठीक ठाक। नाम बताइए सर सबसे पहले अपना। गोपाल जी। तो गोपाल भैया, मैं देख रहा हूँ खाने के लिए बहुत प्यार है, लोग काफी दूर दूर से आ रहे हैं आपके पास खाना खाने। ऐसा क्या बेचते हो आप? कुरकुरे, चावल छोले जी और नान छोले है। वाह, तो मतलब 3-4 तरह के नाश्ते बेचते हो, लोग इतना प्यार देते हैं आपके नाश्ते को। कितने साल पुरानी दुकान है भैया? ये हो गया लगभग 10 साल। वाह, 10 साल से है गोपाल भैया यहाँ पे। सामने प्लेट्स लगाई जा रही है, उधर मेरे को भटूरे नजर आ रहे हैं, एकदम फूले फूले ऊपर प्लेटें बहुत सारी। भटूरे पूरी इधर कस्टमर्स खड़े खा रहे हैं। भैया दिखाइए एक बार छोले कैसे अपने। ये देखो यार, छोले देखो ना कितने मजे के हो रहे हैं, दिल्ली स्टाइल काड़े काड़े हैं ना। भैया वैसे आप हैं कहाँ से? यूपी से, लेकिन सब कुछ है दिल्ली का। अच्छा, दिल्ली से ही सीखा आपने सब कुछ? दिल्ली का। वाह, कितने साल लगाए भैया दिल्ली में आपने? दिल्ली में कम से कम 25 साल। वाह, 25 साल दिल्ली काम सीख कर लुधियाना में आके लुधियाना वासियों को आप दिल्ली का स्वाद दे रहे हो। हाँ, पूरा पूरा। और ये देखो जी, प्लेट्स लगती जा रही हैं। एक बार भैया अच्छे से दिखाइए छोले अपने। ये देखो जी सामने, और दिल्ली स्टाइल छोले हैं एकदम गाढ़े गाढ़े। मेहनत करके देखो भैया। मैंने तो सुना आप किलो नहीं क्विंटल के हिसाब से छोले बेचते हो, छोले तो बहुत कम है। ये आपको थोड़ा लग रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा है। क्या बात है, तो खजाना छुपा के रखते हो? खजाना बिल्कुल छुपा के। एक बार सामने आलू भी दिखाइए भैया, मसाले वाले आलू नजर आ रहे हैं। मसाले वाले आलू बढ़िया। ये किस चीज से फ्राई किए होते हैं भैया? चटपटे मजे के लगते हैं, अलग से ही कुछ ऐसा ही बनता है। स्पाइसी स्पाइसी होंगे, सीक्रेट आपका मतलब। और मसाला क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? मसाला बहुत तगड़ा है भाई साहब, सब ओरिजिनल। बहुत तगड़ा मसाला, ओरिजिनल सामान है। ये है पालक, तभी तो जायका आता है। ये पालक मसाला छोले पालक वाले होते हैं अपने, पालक के तरी वाले छोले हैं। पालक वाले जो रंग है हरेपन में है। ये देखो, ये चटनी, हरी चटनी। ये किस चीज चटनी को पाल दिया? धनिया पुदीना, धनिया पुदीना की चटनी है। इधर है जी बढ़िया प्याज लच्छे वाले, प्याज भी कटे हैं, हरी मिर्च और गाजर का अचार साथ में। अंबी भी है, ये रोज ताजा डालते हैं भैया सुबह के नाश्ते में। ये सब कुछ हो भाई, ताजा अचार डालते हैं। फिर क्या बात है, इतना सारा चीज चीजें नाश्ते में मिल रहे हैं। चावल भी, ये देखो भाई एकदम बढ़िया बासमती राइस है जीरे वाले चावल। और इधर मैं एकदम पहाड़ से ही लगा रखा है, लगातार भटूरे निकलते जा रहे हैं। यहाँ पे 4 बजे सुबह 8 से 4 बजे तक लगा रहता है यहाँ पे। भाई छोले बढ़िया बढ़िया छोले चावल है। ये क्या क्या अपने पास खाने में? तो ये है भैया वो खजाना अपना छोले का। ये देखो भाई छोले आ रहे हैं अंदर से, और एकदम पूरे मसाले वाले छोले। अब इसको कैसे बनाते हो बना के दिखाओ। ये देखो भाई आ गई तरी, और ये किस चीज की तरी रहती है भैया? ये चने का पानी ही होता है, छोले का पानी है। छोले का पानी मिलाया जा रहा है जिसके बीच काफी लोग खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये छोले बनाने शुरू कर दिए भैया ने। वाह, इधर छोले भटूरे का सेटअप है, सामने भटूरे फ्राई हो रहे हैं। इधर ही बिल्कुल पीछे नान लगाए जा रहे हैं, मतलब साथ नान भी चल रहे हैं, साथ भटूरे भी चल रहे हैं, साथ ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश बनते जा रहे हैं। किसी को छोले आलू एक्स्ट्रा लेने हो तो दे देते हैं। हाँ, मना किसी को कोई सामान की नहीं, तो दिल खोल के खिलाया जाता भाई छोले के ऊपर। पालक भी है, मन चाहे बंदा खा सकता है। की चटनी छोले आलू है साथ प्याज चटनी। ये आगे जी एकदम गर्मा गर्म भटूरे। वाह भैया, प्लेट क्या रहा है? बहुत बढ़िया। कितने की चाय रोटी है? भटूरे 40 रुपए प्लेट है जी, नान 50 रुपए है जी, हाफ चावल 30 रुपए का। तो भाई 30 रुपए के अंदर भी ना पेट भर सकते हो। छोले भटूरे की प्लेट की लुक चेक करो, क्या कमाल की। तो ये सामने देखो भाई, नान लगाए जा रहे हैं लगातार एक ही तरह का नान होता है भैया, और भी इतनी सारी चीजें 30 रुपए में। आलू नान मिलता क्या है भाई? उधर सामने आलू से बाहर देखो मसाले का लगा हुआ है, मजे भाई बहुत मजे हैं उधर के लोगों के। तो 30 रुपए में भाई हर चीज इनको गले वाले मिल जाती है। ये देखो जी साथ वो भी कौन सी प्लेट लगा रहे हो? ये है नान की है भाई साहब, ये नान छोले की प्लेट लग रही है स्पेशल, और लोग जो है ना दीवाने हैं यहाँ पे नान छोले के। नान छोले वैसे भी मजे के होते हैं खाना, लेकिन सही बना हुआ छोले पालक की तरी। और ये देखो जी एकदम बड़े साइज का नान, एक प्लेट में एक पीस नान आता भैया? दो पीस आते हैं। और कितने की रहती है? 50 रुपया प्लेट। 50 रुपए गोपाल भैया, दो बंदे आराम से फुल खा सकते हैं भाई साहब। यहाँ ये जगह का नाम है ना, जगह का नाम कैंप है। हाँ, जवाहर नगर कैंप, जवाहर नगर कैंप एरिया अपना।
अच्छा तो इसको भाई मशहूर है ये कैंप वाले छोले भटूरे के नाम से, और ये नान की प्लेट लगातार लगती ही जा रही है। तो ये सामने भाई भटूरे का सेटअप है, बढ़िया पेड़े पड़े हुए हैं और इधर भटूरे फ्राई हो रहे हैं, मतलब गरम गरम चीज आप गरम गरम चीजें जा रही है कस्टमर को। देखो ना पूरी किस तरह, मतलब देखो लगातार फ्राई होते जा रहे हैं, भी कहाँ से आएगा, हम लोग तो पूरी इसको कहते हैं ना, यहाँ पे लगातार फ्राई हो रहे हैं भटूरे, देखे ना कड़क सही तरह अच्छी तरह है, कच्ची पकी नहीं बना रहे, सारा माल खत्म हो जाता है यहाँ पे। खाना खाने जाओ, नाश्ता करने जाओ तो कच्ची पकी होती है, सही तरह बना के जब तक खुद साथ खड़े होके चावल की प्लेट लग रही है। ये पहले चावल आ गए, बाकी दिन 30-35 किलो होता है जी, उसके बाद में 70-80 किलो होता है। क्या बात है जी, आम दिनों में 30-35, सैटरडे संडे को 70-80 किलो, और ये पूरी लोडेड प्लेट तैयार है। ये कितने की प्लेट है ये 30 रुपए का, 30 रुपए की प्लेट, और क्वालिटी चेक करो आप, और साथ में पालक वाले छोले, चटनी, प्याज, अचार, प्लेट तो अच्छी खासी बड़ी है यार, बहुत बड़ी है भाई, स्पेशल राइस वाली प्लेट, इसके ऊपर ढेर सारी पालक छोले प्लेट्स लगती तो आपने देखी है, माहौल पूरा बढ़िया बना हुआ। शुरुआत करते हैं भटूरे के साथ, ये देखो इतनी सारी चीजें बढ़िया से खाओगे, एकदम बढ़िया सी बाइट, लेकिन वही मजेदार जायके वाली चीज मिले तो, दिल्ली स्टाइल है एकदम गाढ़े, दिल्ली गाढ़े है ये स्टाइल, पंजाब है एकदम बढ़िया स्वाद है, पूरे घोले हुए छोले हैं, क्वांटिटी में काम तो हो रहा है पर क्वालिटी के साथ हो रहा है। ऐसे ना दिल्ली में चलते हैं एक्चुअल में, ये वो वाला सिस्टम नहीं कि कढ़ाई से तेल डाल दियो पर वो नहीं कर रहे, सारा कुछ मसाला बना के तैयार किया हुआ है, बार बार होता रहता है, मतलब प्रोसेस चलता रहता है, एक बार बनते दो बार, पर जब भी लोगे टेस्ट सेम आएगा। दुकान की बात नहीं कर रहा मैं, रोड साइड लुधियाना में अगर मैंने कोई भटूरे खाए हैं तो मैं टॉप 3 के अंदर रखूंगा इस भटूरे को। तो मसाले वाला आलू साथ लेते हैं देखो, और उसके साथ भी देखते हैं, तभी तो लोग कमाद दूर दूर से आते हैं खाने के लिए ना, जायके वाली चीज है तो रश तो लगा हुआ है ना, कुछ इसमें है तो तब आते हैं ना, अगर चीज जायकेदार ना होती तो लोग ना आते खाने के लिए, क्योंकि स्वाद बड़ा कमाल का, एक तो तेल कम है हाथों पे लग नहीं रहा और टेस्ट बढ़िया है यार। अब ये देखो आगे, ये आगे जी पालक वाले चावल साथ में छोले, 30 रुपए का सिंगल भटूरा है, 40 के दो हैं, और ये प्लेट पूरी 30 की है, मतलब 60 के अंदर ना इस दुकान का वो यहाँ के छोले हैं, चाहे भटूरे के साथ खा लो, चाहे चावल के साथ, नजारा पूरा है, फूड बहुत बढ़िया। अगर आपको भी यहाँ पे खाना ना तो लोकेशन समझ लो, ज्वाहर नगर कैंप है लुधियाना में, मेरे सामने ना उस साइड सरदार जी टॉयज है, उसके सामने आपको दिख जाएगी ये ऐसे टेंट सा लगा हुआ, और बहुत मशहूर है यार पूरी रोड पे, किससे पूछ लेना कैंप वाले छोले भटूरे, वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाइक किए बिना तो भाई मत जाना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फाइनली गाइस यहां पे वीडियो हो गई एंड, तो भाई जान 30 रुपए में आप पूरा फुल नाश्ता कर सकते हैं, 50 रुपया मैक्सिमम मिला, मतलब अगर 60 30 रुपए की भी प्लेट है, वो जो चावल चावल छोले चावल थे, और वो जो पूरी जो थी उसके मैं खा लू 50 रुपए की प्लेट थी, टोटल 30 रुपए में, वो तो 30 रुपए में 60 रुपया वो भाई बता रहा था ना, टोटल 60 रुपए में, और वो भी डबल प्लेट और फुल भरी हुई, और ये भी डबल छोले वाली चावल देख लो, साथ छोले मतलब ऊपर आलू छोले हैं, मसाले वाले आलू, वो मसाले वाले आलू हैं, और साथ पालक है, हाँ, पालक छोले हैं वो भी ऊपर डाल के दे रहे, ऊपर प्याज और ऊपर वो क्या कहते हैं अचार था, हाँ, और साथ चटनी, मतलब सारी चीजें ऊपर मिक्स डाल के खाओ तो क्या जायका है भाई, और भाई चावल वो भी इतने अच्छे वाले मजेदार जायके वाले, मतलब चावल भी अच्छे वाले लग रहे थे, वनस्पति वाले से लंबे लंबे जो नहीं होते, अच्छी क्वालिटी का, और छोले जो भाई दिखने में लग रहे थे ना कोई तो होते ना बिल्कुल चीप क्वालिटी के होते, बिल्कुल पतला छोरा सारा पानी बीच में मिलाया था, और ये छोले आपको देख रहे थे मतलब कितने घने बनाए हुए थे, गाढ़े गाढ़े, और कह रहे जिस शक्ल में खाओगे ना जैका वैसे का वैसा ही, और वो भाई कह रहे थे मैं इसको टॉप 3 में नंबर दूंगा यहाँ पे सबसे फेमस होने, मतलब जायके में देख, और वहाँ पे लोगों की आपने एक रश देखी थी कितनी, बहुत ज्यादा रश देखी थी, उससे पता भी चलता है भाई के खाने में बड़ा टेस्ट है, और 30 रुपए में 50 रुपए में इतना भाई, वहाँ पे अगर सुबह इंडिया में नाश्ता हो जाता है तो भाई मैं कहता हूँ
इससे बड़ी अच्छी डील कोई भी नहीं है। यहाँ पे तो मतलब 60 रुपए की एक पूरी मिलती है, पूरी वो जो इसको बोले थे यार क्या नाम है, हम लोग पूरी कहते हैं ना इसको, वो क्या कहते हैं वो लोग इसको, हम लोग तो पूरी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, नाम नहीं याद आ रहा आपको क्या वो भाई वीडियो में बता रहे थे तो हाँ ना, अब यहाँ पे अंदाजा लगाएं कि 60 रुपए की एक पूरी मिलती है। बिल्कुल भाई बहुत सस्ती, इधर तो बहुत महंगी है भाई, पाकिस्तान में जाओगे तो 5-6 बंदे खाएंगे 2-2.5 हज़ार बिल आराम से बन जाता है, और हाँ खाओ खाओ तो एक बंदा जो है 30 में मतलब पेट फुल हो जाता है ना। और कितने जायकेदार चीजें हैं, साथ छोले भी इतने मजेदार जायके वाले हैं, और साथ जो है पूरी इतनी अच्छी और बनी हुई, वो भी कच्ची नहीं है बिल्कुल, वही ना मतलब मजे की लग रही थी, और उस तरह जिस तरह फूल इतने लगने में मजे की लग रही थी, बिल्कुल वही ना। अगर 30 रुपए में 50 रुपए में इतनी अच्छी डील मिल रही है तो मैं कहता हूँ इससे अच्छी जगह पर कहीं और नहीं हो सकती। सुबह का नाश्ता अगर आप करने जाते हैं, और लोग जब करते भी होंगे ऑफिस वगैरह से जाते वगैरह जाते होंगे बिल्कुल, वो रास्ते में जिनको रास्ते में पड़ता हो वो तो लाजमी खाते होंगे, क्योंकि इतने मजेदार और जायके वाला है खाना मतलब नाश्ता जो है, तो फिर लाजमी करते होंगे, क्योंकि कहते होंगे घर से हम लोग जाना रास्ते में आता है हम लोग खाएंगे और इतना जायके वाला मजेदार। हाँ वही ना, तो आप लोग अपनी ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।